Hello everyone. Continuing with the topic of programming with C++ constructors and destructors chapter, आज के वीडियो में हम देखेंगे destructors के बारे में. So destructors क्या होता है? It is used to destroy the objects that have been created by constructor. तो वो objects जो constructor के द्वारा create किए गए हैं, उनकी मदद से बनाए गए हैं, उनको destructor destroy करता है. A destructor destroys values of the object being destroyed. सो डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम होता है जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर, कि कंपाइलर अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल करता है, एंड डिस्ट्रक्टर क्लीन्स अप द स्टोरेज डेट इज़ नो लॉन्गर एक्सेसिबल. सो उस स्टोरेज को जो एक्सेसिबल नहीं है उसे हटाता है, रिमूव करता है, क्लीन करता है. सो एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही. सबसे पहला, अ डिस्ट्रक्टर टेक्स नो आर्ग्यूमेंट. तो डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता, जबकि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, बट डिस्ट्रक्टर टेक्स नो आर्ग्यूमेंट एंड देर इज नो रिटर्न टाइप. और कोई भी रिटर्न टाइप आप डिस्ट्रक्टर के अंदर नहीं लगाओगे. नाउ लेट अस सी हाउ टू क्रिएट अ डिस्ट्रक्टर. सो स्टूडेंट क्लास के एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज दिस इज अ क्लास स्टूडेंट. और इसके अंदर हमने कुछ यहाँ पे डिक्लेयर कर रखे हैं. सबसे पहले हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर. सो स्टूडेंट, एक कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया सिंपल कंस्ट्रक्टर. ठीक है, सो ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया. अब डिस्ट्रक्टर बनाने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है या फिर क्लास का नाम होता है. बस उसके आगे आपको एक टिल्ड साइन लगाना है. जैसे ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, लाइक दिस. So this is the tilde sign and this is nothing but this is the destructor. So same नाम होता है जो constructor का होता है या class का होता है, बस एक tilde sign आ जाता है और इस class को अब आप बंद कर दो. So ये example है destructor का. अब होगा क्या, जब आप इस class का object बनाओगे, suppose आपने object create किया है student s1, तो होगा क्या, सबसे पहले तो ये किसको call करेगा, student को. तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट विल बी कंस्ट्रक्टर. और जब स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट एस वन का स्कोप खत्म हो जाएगा, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सो एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन इट विल ऑटोमेटिकली कॉल्स दिस डिस्ट्रक्टर कोड. सो अब इसके नीचे आउटपुट आएगा डिस्ट्रक्टर. सो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एंड डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर अ ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड. जब भी आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा. सो ये बेसिक डिफरेंस है इसका. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द नीड ऑफ अ डिस्ट्रक्टर. एक डिस्ट्रक्टर की जरूरत क्या है. सो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट by the constructor, resources may be allocated for use. So suppose एक file, एक database का connection या कोई भी एक media file जिसका use करना है एक object को, वो constructor के time पे उस object को दे दी जाती है, वो resource allocate कर दी जाती है. अब क्या हुआ, जब वो resource allocate हुई तो कुछ memory space भी आपने allocate कर दिया, आपने कुछ memory space उस object को दे दिया ताकि वो उस resource को use कर सके. ना हो अब क्या होगा, आपका प्रोग्राम जब डिस्ट्रॉय होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, तब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस मेमोरी स्पेस को फ्री करे. जनरली यूज़र क्या होता है, जब वो प्रोग्राम लिखता है तो वो मेमोरी स्पेस की एलोकेशन और डी एलोकेशन के बारे में इतनी चिंता नहीं करता, उसके बारे में इतना नहीं सोचता और उसको लिखना भूल जाता है. सो कंपाइलर जो है C++ का, उसने डिस्ट्रक्टर्स को कॉल करने की एक फंक्शनैलिटी दी है कि डिस्ट्रक्टर अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. सो इसका बेसिक नीड क्या है, बेसिक नीड इज टू डी एलोकेट
to deallocate the allocated resources, deallocate the allocated resources to an object. कि एक ऑब्जेक्ट को जो रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं उसको डी एलोकेट करना, ये एक बेसिक नीड, एक बेसिक फंक्शनैलिटी एक डिस्ट्रक्टर की. सो जितना भी क्लीनअप टास्क होता है, क्लीनिंग करनी होती है लाइक क्लोजिंग अ फाइल, डी एलोकेटिंग एंड रिलीजिंग मेमोरी एरिया, वो सब कौन करता है? डिस्ट्रक्टर करता है. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो द डिस्ट्रक्टर डज द क्लीनअप टास्क. और किस तरह के क्लीनअप टास्क करता है? फॉर एग्जाम्पल दैट क्लोजिंग ऑफ फाइल, एक फाइल को क्लोज करना, ऐसे ही ये काम करता है जैसे डी एलोकेटिंग एंड रिलीजिंग मेमोरी एरिया. इस तरह के जो क्लीनअप टास्क हैं वो सब एक डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली करता है. दिस इज द बेसिक नीड ऑफ अ डिस्ट्रक्टर. सो दिस इज द थ्योरी पार्ट. नाउ लेट अस सी द प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. जितना भी अभी हमने देखा है डिस्ट्रक्टर के बारे में कि कैसे क्रिएट होता है, कैसे ये कॉल होगा ऑटोमेटिकली, वो सब अब आपको मैं प्रोग्रामिंग से करके दिखाऊंगा. सो लेट्स सी द प्रोग्रामिंग पार्ट. तो अब देखते हैं डिस्ट्रक्टर का एग्जांपल प्रोग्रामिंग पार्ट में. क्लास में स्टूडेंट, एसआईडी और मार्क्स दो वेरिएबल्स हैं. ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है स्टूडेंट. एक फंक्शन है शो डिटेल्स. अब जब डिस्ट्रक्टर बनाओगे तो स्टूडेंट तो क्लास का नाम है स्टूडेंट, उसी नाम का डिस्ट्रक्टर होगा, बस इसके आगे टिल्ड साइन आ जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट है कि टिल्ड साइन आता है डिस्ट्रक्टर के लिए. इसके अंदर मैंने सी आउट कराया डिस्ट्रक्टर इज इनवोक. देन मेन फंक्शन है स्टूडेंट एस वन, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दो वैल्यूज पास करी 5 और 50.5. जैसे ही ये इन्वोक होगा तो क्या होगा, ये वाला कॉल हो जाएगा. एस आई टी के अंदर वैल्यू आ जाएगी 5, मार्क्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी 50.5. फिर हमने क्या करा, एस वन डॉट शो डिटेल्स, इससे क्या होगा, ये कॉल हो जाएगा. इसमें क्या होगा, स्टूडेंट आईडी कितना प्रिंट होगा, 5, मार्क्स कितना प्रिंट होगा, 50.5. देन जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, एक्सपायर होगा, ये वाला जो पार्ट है, जो आपका डिस्ट्रक्टर का पार्ट है, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा. तो आप देखोगे कि एंड में जब स्टूडेंट आईडी और मार्क्स प्रिंट होने के बाद एंड में अपने आप ये प्रिंट होगा, डिस्ट्रक्टर इज इन्वोक. तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं. प्रोग्राम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पूरा. ये कंस्ट्रक्टर है, शो डिटेल्स फंक्शन लिखा हुआ है. अब आप देखो यहाँ पे मैंने एक टिल्ड साइन यूज़ किया है. तो ये क्या है, ये डिस्ट्रक्टर है. दिस इज योर डिस्ट्रक्टर. तो ये डिस्ट्रक्टर, जब हम स्टूडेंट एस वन ये बना रहे हैं तो कौन सा कॉल होगा, ये. देन एस वन डॉट शो डिटेल से ये कॉल होगा, और एंड में अपने आप क्या कॉल होगा, ये वाला पार्ट. अब इसको एक बार रन करते हैं तो आप देख सकते हो सबसे पहले इसने क्या प्रिंट कर दिया, स्टूडेंट आई डी 5, जो हम शो डिटेल्स के अंदर यूज़ किया है. देन इसने प्रिंट किया मार्क्स 50.5, और अपने आप इसने प्रिंट किया डिस्ट्रक्टर इज इन्वोक. सो दिस इज हाउ डिस्ट्रक्टर गेट्स इन्वोक. जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपायर होगा, उसका जो स्कोप है वो ख़त्म होगा, डिस्ट्रक्टर अपने आप इन्वोक होता है. बस इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, डिस्ट्रक्टर के केस में वो टिल्ड साइन आता है इसमें. सो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रक्टर पार्ट. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.